नहीं दोस्तों, ये वीडियो अरेस्ट ऑफ सोल्जर्स बाय द सिविल अथॉरिटीज, इसके ऊपर थोड़ा समय बोलूँगा। और सारे अहदेदार जितने हैं, अपने पुलिस के, अपने जुडिशियल सर्विस के, अपने आर्म फोर्सेस के कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज, इनको थोड़ा सा बताऊँगा क्या एक्शन लेने पड़ते हैं। आप लोगों ने देखा है कि जब कोई सोल्जर छुट्टी पर जाता है और कोई कुछ हो जाता है तो उसको अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि आप उनकी इन्वेस्टिगेशन में उनको पार्टिसिपेट कीजिए, टैम्परिंग ना करें कोई एविडेंस के साथ में, और आप कहीं भी नहीं जाएं। ये होता है बेसिकली अरेस्ट करने के लिए जो प्राविधान बनाए गए हैं। नाउ जब एक सोल्जर को एक पुलिस वाले, जब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करते हैं, उनका काम है सेक्शन 475 CRPC में उनकी कमांडिंग ऑफिसर को बताएं या नियरेस्ट जो भी कैंटोनमेंट है वहां के कमांडिंग ऑफिसर को बताएं। नंबर वन, वो जो कि ग्राउंड पे नहीं हो रहा है, वो बंदे को जेल आप भेज देते हैं, जेल के बाद में वो हमें पता लगता है बाद में, जो कि गलत है, आपकी जिम्मेदारी है। इसका रीजन भी ये है कि आप एक सोल्जर को जब आप जेल में डाल रहे हो तो आप ये सोचो एक फाइटिंग स्ट्रेंथ कहीं की कम हो रही है, और दूसरा आपका खुद का फौजी जो आपके लिए, देश के लिए लड़ रहा है, उसका मोरल और मोटिवेशन जो है डाउट हो रहा है। वो यही सोचेगा कि यार यहाँ पे जो पब्लिक सर्वेंट बैठे हुए हैं वो मेरी ये इज्जत करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं से भी उनका क्राइम जस्टिफाई कर रहा हूं या कुछ, वो आप आगे के ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन कुछ क्राइम को छोड़ करके, जैसे मर्डर है, कल्पेबल होमसाइड है, रेप है, पॉक्सो का केस है, ऑफिसर सिक्योरिटी एक्ट का केस है, ऐसे कोई केसेस हैं तो उसमें आपको कमान अधिकारी को बताना है, वो खुद ही बोलेंगे कि आप करिए इन्वेस्टिगेशन, ना तो हम देते हैं उनको। लेकिन कुछ छोटे मोटे केसेस जैसे हैं जब आप केवल ईगो के कारण में कि अरे ये फौजी है, मैं भी पुलिस वाला हूं, आप उसको अंदर कर देते हैं, आप उसको तरीके नहीं बताते, और जिसकी वजह से परेशानी होती है। तो ये आपको पुलिस ऑफिसर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग जमानत पे भी छोड़ सकते हैं और कमान अधिकारी को बता के आगे आप अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रख सकते हैं कहीं भी किसी भी स्टेज में। लर्नेड जुडिशियल सेक्शन 167 में अगर पुलिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू या कहीं भी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है अपने एलिज्ड ऑफेंस के लिए एक्यूज को, तो वहाँ पे जो लर्नेड जुडिशियल ऑफिसर्स हैं 166 सेक्शन 167 में, देयर आर थ्री ऑप्शंस, वो जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी एंड एनी अदर कस्टडी। तो सर यहाँ पे आप इन एनी अदर कस्टडी जो वर्ड है इसमें आप मिलिट्री कस्टडी इंक्लूड कर सकते हैं, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ सर क्योंकि आपके पास जब ये जाएगा और आपको जब ये इस पर डिसाइड करना है तो मिलिट्री कस्टडी लीगल है, और आप जब उसको वहां देते हैं तो आप खुद सोचिए कि वो बंदा जो सोल्जर है एलिगेशन के बेस पे ही विल नॉट बी मिक्सअप विद दी अंडर ट्रायल क्रिमिनल्स। दिस इज व्हाट दी रिक्वेस्ट, आपको बस खाली इस चीज का ध्यान रखना है कि प्राविधान सारे हैं, प्राविधान का उपयोग हम कैसे करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमान अधिकारी महोदय जब बाद में इनको वहां पे जाके अपना रैप भेजते हैं, खड़े होते हैं, अपने रैप के साथ में अपना लेटर देते हैं जिसमें आप एश्योरेंस दीजिए कोर्ट को या पुलिस ऑफिशियल्स को कि ही विल बी प्रोड्यूस, कहीं भी जहां पे भी बंदा आएगा, जब भी पुलिस वाले उसको चाहिए, इन्वेस्टिगेशन आई हो जब भी चाहिए, आप उसको वहां पे प्रोड्यूस करेंगे, आप उनको दीजिए ये मौका और वहां पे बंदे को पहुंचाइए एस्कॉर्ट के साथ में और वापस लेके आइए। ये इसके बाद ये था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है ज्यूरिसडिक्शन का लेने का, जब आईओ अपनी कंप्लीट कर देता है रिपोर्ट तब वो फाइनल चार्जशीट वहां पे प्रोड्यूस करता है बिफोर दी मैजिस्ट्रेट। अब उस समय आपको आर्मी एक्ट सेक्शन 125 126 का निर्णय लेना है कि क्या ये केस आप लेंगे नहीं लेंगे। तो ये जो मैंने आज का वीडियो बनाया है वो ज्यूरिसडिक्शन से पहले की स्टेज की बात कर रहा हूं, ज्यूरिसडिक्शन के बाद की नहीं। वहां पे आपको पूरा अधिकार है लेने का, वो मैजिस्ट्रेट भी प्रोसीड नहीं कर सकता बिना आपके संज्ञान में डाले हो, बिना आपसे परमिशन लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, ठीक है। इसलिए इस चीज का ज्यादा ध्यान रखिए कि कोई भी सोल्जर, उद्देश्य होना चाहिए कोई भी सोल्जर एलिगेशन के स्टेज पे जब प्राविधान में उसको मिलिट्री कस्टडी भी दी हुई है और ऐसी कस्टडी दी है जहां पे वो कहीं भी भाग नहीं सकता, आप उसको अंडर ट्रायल क्रिमिनल्स के साथ ना डालिए। इट अफेक्ट्स मोरल, पूरा बंदे का जो हमारा मोरल होता है, मोटिवेशन होता है, उस पर अफेक्ट करता है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और फौज में फौजी का मोरल मोटिवेशन केवल उनके ऑफिसर्स तक सीमित नहीं है, नागरिक और जुडिशियल ऑफिसर्स और बाकी के पब्लिक सर्वेंट इनके ऊपर भी निर्भर है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग इस चीज को समझेंगे और इसका पालन करेंगे। थैंक यू।